एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीता और आज मैं बात करने वाली हूँ सर्दियों में हम अपनी स्किन को ग्लोइंग स्किन कैसे रख सकते हैं। कुछ आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घर में पड़ी हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल करके नेचुरल वे हम अपने स्किन को इस मौसम में ग्लोइंग रख सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आए। तो सर्दियों में स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाए रखना है तो घर पर रखे हुए कुछ चीज़ों का आप अपने फेस वॉश करके इस्तेमाल कर सकते हैं और महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट से आप बच सकते हैं। सर्दियों में स्किन को एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। इस मौसम में त्वचा रुखी और बेजान नज़र आने लगती है। ऐसे में आप कोई भी केमिकल वाले फेस वॉश से बच सकते हैं और उससे उसकी जगह आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे स्किन को जो है बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस सर्दियों के मौसम में। बेसन और गुलाब जल और उसमें दही मिलाकर हम इसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे हमारी स्किन जो बेहतरीन और मुलायम होगी। कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे दूध को चेहरे पर लगाने से डेड स्किन निकल जाती है और चेहरे पर नेचुरल तरीके से निखार आता है और हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा नेचुरल चमकने लगती है। कच्चे दूध को हम अपने चेहरे पर डायरेक्टली लगा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, उलट हमारे चेहरे पर जो है नमी बनी रहती है। शहद स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हाइड्रेट रखने में मदद करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं। अपने चेहरे को हल्का गीला करें उसको यूज कैसे करना है तो, और उसके बाद जो है आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी से वॉश कर सकते हैं। नारियल तेल भी स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप हल्के हाथों से नारियल तेल लगा के हाथों से और मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपकी जो स्किन है हाइड्रेट रहेगी, ग्लोइंग रहेगी, चमकदार रहेगी इन सर्दियों के मौसम में। एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जेल जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उससे कहीं ज़्यादा फायदे भी होते हैं और उस चेहरे पर जो भी समस्या होती है उसे छुटकारा मिल सकता है। तो क्या करना है, एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर लगा देना है, उसको सूखने देना है। सूखने के बाद जो है उसे फेस वॉश कर देना है पानी से। तो उससे क्या होगा कि हमारे स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना स्किन के चेहरे पे वो सब इससे कम हो। सर्दियों के मौसम में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे का जो है अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो गाइस वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ ऐसे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।